न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है, एक हमें सिस्टम गिवन है, क्या है ये, एक वेज है और इस पे दो ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। क्या है ये, यहाँ से सरफेस, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है पूरा, और इनका मास 1 kg है, और ये जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, राइट, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इन दोनों का मास 1 kg, ठीक है, ओके। हमें फाइंड क्या करना है कि अगर ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, पहले ये बताना है मूव कर रहा है नहीं कर रहा, अगर ये मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो मूव क्यों करेगा ये, क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स होगा या इस तरफ कोई फोर्स होगा, और वो फोर्स कम ज़्यादा होगा इसलिए मूव करेगा। तो सबसे पहले अपन फोर्स फाइंड करते हैं कि कितना फोर्स है। देखो मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो इस ब्लॉक में नीचे की तरफ एक फोर्स है जिसको बोलते हैं एम जी, ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें भी नीचे की तरफ फोर्स है एम जी। देखो मैंने दोनों में एम लिया क्योंकि दोनों का मास सेम है। इस एंगल को अपन थीटा ले लेते हैं, इसको अपन अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। ये टेंशन टी है और ये टेंशन टी है, इन दोनों का टेंशन तो सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, ओके। एक इसका ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का, ये थीटा होगा, तो ये क्या आएगा एम जी कोस थीटा, और ये कितना आएगा एम जी साइन थीटा, इधर सेम एम जी, ये आएगा एम जी कोस अल्फा, ये आएगा एम जी कोस अल्फा, और इधर क्या आएगा एम जी साइन अल्फा। देखो ये जो फोर्स है इससे तो बॉडी, ये जो मास है ये मूव करेगा नहीं, इस फोर्स है तो ये फोर्स किसी काम का ही नहीं, फोर्स ये और ये और ये यही काम के, और इसमें से भी ये टी तो सेम है, तो ये जो फोर्स है एक ये फोर्स और ये फोर्स यही बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। अब मेरे को बताइए कि इन में से, इस फोर्स में से और इस फोर्स में से कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कैसे बताएंगे इसको बताने के लिए, देखो एम जी सेम है, बस साइन थीटा और साइन अल्फा इसकी वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये देखो ये थीटा है तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, तो इस केस के लिए, इस थीटा के लिए कितना होता है ये एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोथेनियस ये है, यानी 4/5, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोथेनियस ये है, तो कितना आता है एम जी 3/5, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा फोर्स ज़्यादा, ये फोर्स ज़्यादा, ये फोर्स कम है, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ 3, ये फोर्स ज़्यादा, यानी कैसे मूव करेगा ये, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा, राइट, और सेम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का FVD बनाओ, पहले इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए FVD बनाते हैं। FVD क्या बनेगा, ये ब्लॉक है, FVD बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल देखो ये टेंशन है, ये एमजी साइन थीटा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इधर है तो श्योर है एमजी साइन थीटा ज़्यादा होगा, एमजी 4/5 माइनस टेंशन इज इक्वल टू एमए, और इसका क्या बनेगा, इसमें देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी टेंशन ज़्यादा, टेंशन माइनस एम जी 3/5 इज इक्वल टू एम ए, एम एक दोनों में सेम इसलिए रखा है क्योंकि मास दोनों का सेम है। देखो इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होता है, टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एम जी 4/5 माइनस एम जी 3/5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए, यहाँ पे mm कैंसिल हो गया, ये 4/5 माइनस 3 आया तो कितना आ गया g/5 इज इक्वल टू m, तो कैंसिल हो गया 2 है, तो a कितना आ गया g/10,